प्लीज बेटा बोलो सभी। अमृत कौर? यस बेटा, आपको आवाज सुनाई दे रही है? मैम यस। ओके बेटा। बेटा हम नेटवर्क इश्यू के कारण हमारे पास टाइम बड़ा शॉर्ट रह गया। हमने सेकंड चैप्टर रीड किया था पहले इंग्लिश का, हमने ये चैप्टर को आधा रीड कर लिया था। ओके बेटा, इस चैप्टर में आगे क्या है वो मैं बताती हूँ। हमने यहाँ तक रीड कर लिया था, यहाँ तक बेटे मैं आपको बता देती हूँ हमने इसमें क्या स्टोरी थी। इसमें ये एक स्टोरी थी बेटा, एक किंग था, वो किंग था राजा शिवी। ओके बेटा, वो बहुत ही फेमस था वर्ल्ड में, और वो बहुत ही किससे फेमस था बेटा, अपनी काइंडनेस से। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे वर्क करता था। उसके राज में सभी प्रसन्न रहते थे, सभी जो लोग थे ना वो बहुत खुश थे उससे। और बेटा एक दिन क्या हुआ, और उसमें एक कबूतर आया, पिजन आया, वो बहुत ही जख्मी था, और उसने पिजन की देखभाल करनी शुरू कर दी। और उसके बाद ही बेटा क्या हुआ, एक बाज आ गया। बाज होता है ना जो मांसाहारी होता है बेटा, वो मांस खाता है। वो राजा को बोलने लगा कि तुमने मेरा शिकार ले लिया, ये मेरा फूड है। पिजन को कहता है कि ये मेरा भोजन है, मैं इसे खाना है। ओके बेटा, तो जो राजा है ना वो आगे देखते हैं हम क्या होता है। हमने इतनी स्टोरी ही पढ़ी थी। नेक्स्ट है बेटा, दिस इज नो सॉल्यूशन टू माय प्रॉब्लम, परसिस्टेड टू आर्गुमेंटेटिव फैल्कन, आई एम अ कैरोना वायरस वर्ड। बेटा ये कैरोनी वायरस मीन्स होता है मांसाहारी वर्ड। जो फॉल्कन है ना, बाज है, वो कहता है ना मैं एक मांसाहारी जीव हूँ, मुझे खाने के लिए मांस चाहिए। बेटा जो ऊपर वाले पैरे में क्या होता था ना, जो राजा था ना वो उनको और फूड ऑफर कर देता था कि तुम मेरे राज में कोई भी और फूड खा लो। बट जो फॉल्कन है ना वो बताता है कि मैं तो मांसाहारी हूँ, मैं तो मांस ही खाता हूँ। टू गिव मी फूड यू विल एनी वे टू गिव मी फूड यू विल एनी वे हैव टू किल अनदर क्रिएटर। डज इट देन मेक एनी डिफरेंस? कंसिडर दिस सोल्यूशन, प्लीज गिव मी सम फ्लैश फ्रॉम यूर बॉडी इक्वल टू द वेट ऑफ दिस पिजन। फिर वो जो बेटा फॉल्कन है ना, वो राजा शिवी को कहता है कि अगर तुमने पिजन को बचाना है तो फिर ऐसे करो ना, तुम अपनी बॉडी का कोई ना कोई मांस का टुकड़ा मुझे दे दो, मैं वो खा लूंगा। और उस मांस के टुकड़े का बेटा जो वेट है ना वो पिजन के इक्वल होना चाहिए। इसमें ये होता है बेटा, यहाँ तक बताओ सभी को स्टोरी क्लियर हो रही है? प्लीज बेटा अपने आप को अनम्यूट। वेरी गुड। ओके बेटा अब सभी म्यूट कर लो अपने आप को ताकि हम जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट कर दें। शिवी एट वंस ऑर्डर्ड अ बैलेंस टू बी ब्राउट इन वन ऑफ इट्स डिशेस, ही प्लेस्ड द पीसन। फिर शिवी क्या करता है, ही देन कट अ चंक ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज थाई विद अ स्वॉर्ड एंड पुट इट इन द अदर डिश। फिर बेटा वो क्या करता है ना, एक कह लो एक तकड़ी ले लेता है, उसके एक साइड वो पिजन को डाल देता है और सेम वेट होना चाहिए, और अपनी थाई का एक हिस्सा काट के उसमें रख देता है, उसके दूसरे पलड़े में रख देता है। शिवी नो कट अ लार्जर चंक ऑफ फ्लैश एंड प्लेस्ड ऑन द डिश। बेटा चंक होता है ना मांस का टुकड़ा, वो मांस का एक टुकड़ा कटता है और डिश में रख देता है। The pigeon still outweighed the flesh. Shivi kept carrying his bulk until and the was barely any flesh left around his bones. बेटा शिवी अपने आप को उतनी देर तक अपने को कटता जाता है जब तक उसका वेट है ना जो पिजन के इक्वल नहीं हो जाता। The balance was still heavier on the pigeon's side. तो क्या होता है, हर बार क्या होता है, जिस साइड में पिजन है उधर हैवियर साइड है, वो बारी है, इसलिए वो क्या है, जो बेटा बारी साइड होती है वो नीचे होती है, पिजन वाली साइड बारी है, इसलिए वो वाला पलड़ा है जो वो नीचे है। नेक्स्ट हमारे पास होता है बेटा, द बैलेंस वॉज स्टिल हैवियर ऑन द पिजन साइड। फाइनली शिवी हिमसेल्फ माउंटेड द डिश होपिंग द वेट ऑफ द बर्ड। तो एक एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है बेटा, वो क्या होता है, इक्वल हो जाता है, वो वेट है ना इक्वल हो जाता है। मैम कट कट के आवाज आ रही है बेटा, ये नेटवर्क इशू होगा अगर आवाज कट कट के आ रही है। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड द हेवंस शोड फ्लॉर्स ऑन शिवी, द फॉल्कन एंड द पिजन डिसअपीयर्ड एंड इन देयर प्लेसेस स्टूड इंद्र। फिर क्या होता है बेटा, एक एक ना जो देवते होते हैं वो आने लगते हैं,
और जो देवते होते हैं ना, द किंग ऑफ द गॉड्स एंड अग्नि, जो परमात्मा के देवते होते हैं और अग्नि आती है, द गॉड ऑफ फायर, उस समय आ जाते हैं बेटा। कब आते हैं? जब वो इक्वल हो जाते हैं, जब वो अपने। मैम कौन सा चैप्टर है बेटा? ये सेकंड चैप्टर है, हमने पहले रीड किया था, सेकंड चैप्टर है इंग्लिश का। इसके आगे होता है बेटा, सडनली डिवाइन म्यूजिक फिल्ड द एयर एंड द हेवंस शोड। फिर क्या होता है बेटा, वहां देवते आ जाते हैं और अग्नि देवते आ जाते हैं। इंदिरा सेड, इंदिरा बोलता है बेटा, वो देवते बोलते हैं शिवी अग्नि, एंड आई केम डाउन फ्रॉम द हेवन टू टेस्ट यू। वो बोलते हैं बेटा कि हम राजा शिवी के हम तो तुम्हारी अच्छाइयों को चेक कर रहे थे। यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक, कि वो कि तुमने प्रूव कर दिया बेटा। नो टॉकिंग प्लीज, अपने आप को म्यूट कर ले बेटा, प्लीज अपने आप को म्यूट कर ले सभी। यू हैव प्रूव्ड, यू हैव प्रूव्ड दैट यू आर फार ग्रेटर देन पीपल थिंक। वो कहते हैं कि आपने प्रूव कर दिया, जैसे कि पीपल आपके बारे में सोचते हैं, आपने प्रूव कर दिया कि आप वैसे ही हो। यू प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट करें सभी, म्यूट करें बेटा सभी। कितनी आवाज आ रही है? रणदीप सिंह बेटा अपने आप को म्यूट करें। जसप्रीत कौर जी क्या ड्रा कर रहे हो आप? You will have a life full of happiness. तुम्हारी लाइफ है जो खुशियों से भर जाएगी, and you will always be remembered by the mankind. कि तुम बहुत ही अच्छे पर्सन हो। Shiv is wound disappeared as soon as these words were spoken. जब जब शिवी राजा ने ये वर्ड सुने ना, देवतों के ये वर्ड सुने, तो उसने क्या देखा कि जो कि एकदम क्या हुआ, वो चले गए, वो राजा थे ना वो चले गए। He closed his eyes in humble prayer as the gods vanished. जब बेटा उसने अपनी आईज क्लोज की प्रेयर करने के लिए, तो सभी जो राजा थे ना वहां से अलोप हो गए, वनिशड हो गए। ओके बेटा, इस चैप्टर में ये आपको चैप्टर की स्टोरी क्लियर होगी, ये बताओ बेटा। सभी बच्चे आपको चैप्टर की स्टोरी पता चल गई? तो बेटा ध्यान से सुन लो अब। तो आप जो आज का आपका होमवर्क है वो है वर्ड मीनिंग। ओके ओनली बेटा, आपने ये वर्ड मीनिंग है ना, ये कॉपी पर राइट करने हैं। ओके बेटा, पहले आपको अपना वर्क का पता चल गया, वर्क है आपको, वर्ड मीनिंग है जो बेटा आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं। ओके, अब मैं ये आपको वर्ड मीनिंग क्लियर करवा रही हूँ। फर्स्ट हमारे पास है गवर्नेंस। गवर्नेंस का मीनिंग होता है रूलिंग ऑफ अ कंट्री। बेटा जो सभी सभी कंट्री पर, बेटा अपने आप को म्यूट करो सभी, म्यूट कर लो सभी अपने आप को। इतनी आवाज आ रही है आपकी बेटा, बेटा प्लीज सभी अपने आप को म्यूट करें। हमारे पास बेटा फर्स्ट था गवर्नेंस। गवर्नेंस है बेटा रूलिंग ऑफ अ कंट्री। प्लीज बेटा अपने आप को म्यूट कर लो सभी। प्लीज क्लास अपने आप को म्यूट कर लो सभी। दिलप्रीत कौर अपने आप को म्यूट करें। यस बेटा, गवर्नेंस होता है रूलिंग ऑफ अ कंट्री, जो कंट्री पर राज करता है। नेक्स्ट होता है बेटा डिस्पेरेट, होता है होपलेस, किसी को उम्मीद ना हो। बेटा मनमीत अपने आप को म्यूट करें, सभी बच्चे म्यूट करें अपने आप को। नो टॉकिंग, इतना शोर आ रहा है आपका। नेक्स्ट होता है बेटा प्रेपरेटरी, होता है लो वॉल अलोंग द एज ऑफ द बालकनी। नेक्स्ट बेटा है स्नैच। स्नैच मीन्स होता है टेक समथिंग क्विकली, कुछ जल्दी लेना। नेक्स्ट बेटा होता है रिफ्यूज। रिफ्यूज का मीनिंग होता है प्रोडक्शन फ्रॉम डेंजर, डेंजर से प्रोडक्शन करना। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड मीनिंग है प्रीडेटर। इसका मीनिंग होता है एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट्स अदर एनिमल्स, वो वाला एनिमल होता है बेटा जो दूसरे एनिमल्स को मारता है और खाता है।
नेक्स्ट है बेटा सर्वाइव। सर्वाइव का मीनिंग होता है कंटिन्यू टू लिव डिस्पाइट डेंजर, हमारा जीने रहने के लिए कंटिन्यू चलना। नेक्स्ट बेटा डलीमा। डलीमा का मीनिंग होता है पंजाबी में दुविधा में पड़ जाना, है ना, डिफिकल्टी ऑफ चूजिंग बिटवीन टू इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस। बेटा जब हम इक्वली इंपॉर्टेंट ऑप्शंस में डिफिकल्ट हो जाते हैं कि हम कौन सी ऑप्शन चूज करें, ए ऑप्शन चूज करें या बी ऑप्शन चूज करें, हमारे पास दो ऐसी सिचुएशंस आ जाती है कि हम दुचित्ती में पड़ जाते हैं कि हम कौन सी सिचुएशन ले, है ना, वो होता है डालीमा। नेक्स्ट है बेटा एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग। एट द कॉस्ट ऑफ समथिंग मीनिंग होता है द लॉस इन्वॉल्वड इन अचीविंग समथिंग। ओके बेटा नेक्स्ट होता है सुप्रीम। सुप्रीम का मीनिंग होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सुप्रीम होता है बेटा सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट होता है बेटा एक्यूरेट। एक्यूरेट का मीनिंग होता है करेक्ट एंड ट्रू। एक्यूरेट होता है बेटा सही भी होना चाहिए और करेक्ट भी होना चाहिए, उसमें कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए। नेक्स्ट होता है बेटा आउटवेटेड। आउटवेटेड मीन्स होता है वेटेड मोर, ज्यादा वेट होना। ओके नेक्स्ट होता है बेटा हम्बल। हम्बल मीन्स होता है मॉडेस्ट, हम्बल नम्रता होती है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है जस्टिस। जस्टिस होती है बेटा नया, इसका मीनिंग है फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, लोगों के साथ अच्छा ट्रीटमेंट करना, अच्छा व्यवहार करना, ये होता है जस्टिस। नेक्स्ट है बेटा फेरियंस, ये मीनिंग होता है विल्ड एंड रेडी टू अटैक। ओके बेटा किसी पर अटैक करने के लिए तैयार रहना। ट्रस्टिंग। ट्रस्टिंग होता है बेटा बिलीविंग, विश्वास करना, यकीन करना। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा कैरोनी वायरस, ये होता है बेटा मीट ईटिंग, जो एनिमल्स ना मीट खाते हैं, मांसाहारी होते हैं, ह्यूमंस भी हो सकते हैं, कोई भी जो मांस खाते हैं वो होते हैं कैरोनी मोरिस। यस बेटा नेक्स्ट है चंक। चंक होता है अ थिक सॉलिड पीस, क्या होता है बेटा एक पीस होता है, है ना। नेक्स्ट है डिवाइन। डिवाइन होते हैं बेटा रिलेटेड टू गॉड्स, डिवाइन्स होते हैं बेटा देवी देवते, जो परमात्मा से संबंधित होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बेटा वनिशेड। वनिशेड होता क्या होता है, डिसअपीयर्ड सडनली, जैसे बेटा हमारे पास कोई चीज आती है, जैसे हम मूवीज में देखते हैं, सीरियल्स में देखते हैं, वो देवी देवते आते हैं वो एकदम से चले जाते हैं, है ना, वो होता है वनिशेड। ऐसे ही राजा शिवी के साथ हुआ था, उसके आगे भी गॉड्स आए थे और वो भी वनिशेड हो गए थे, उससे कहकर के तुमने प्रूव कर दिया कि तुम बहुत अच्छे हो, इसी तरह बेटा डिसअपीयर्ड सडनली। बेटा ये बताओ सभी को ये वर्ड मीनिंग क्लियर है? यस मैम। यस ओके बेटा। मैम यस बेटा प्लीज बताओ, अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। मैम यस क्या डाउट है बेटा? मैम ये मैम सभी करने हैं मैम। यस बेटा आप ये सभी वर्ड मीनिंग अपने नोटबुक पर करने हैं सभी ने। प्लीज बेटा आवाज ना करो मैम। बी का भी बेटा जो भी ये वर्ड मीनिंग है ना ये आप सभी ने करने हैं अपनी कॉपी पर। ओके बेटा शोर आ रहा है। ओके बेटा कोमलप्रीत कौर यस आप बताओ गवर्नेंस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? गवर्नेंस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? यस बेटा कोमलप्रीत कौर बताओ गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग इंग्लिश में बताना। गवर्नेंस का गवर्नेंस। यस बेटा बताओ गवर्नेंस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? गवर्नेंस का मीनिंग होता है बेटा रूलिंग ऑफ अ कंट्री। बाज मैम कुमारी है। क्या हुआ कि आवाज नहीं आ रही मेरी? यस बेटा रणदीप सिंह। ओके कोमलप्रीत कौर यस बेटा बताओ गवर्नेंस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? यस बेटा बताओ प्लीज। मैम हमको बुला रहे हैं। कोमलप्रीत कौर को कहा है बेटा? मम्मी याद नहीं है बेटा स्क्रीन पर तो शो हो रहा है। गवर्नेंस का मीनिंग होता है रूलिंग ऑफ अ कंट्री, कंट्री पर राज करना। ओके नेक्स्ट बेटा प्रथम शर्मा अपने आप को अनम्यूट करो। मैम यस। यस बेटा आप बताओ जस्टिस का वर्ड मीनिंग क्या होता है? मैम जस्टिस। यस मैम फेयर ट्रीटमेंट
ट्रीटमेंट ऑफ पीपल. यस, फेयर ट्रीटमेंट ऑफ पीपल, लोगों से अच्छा व्यवहार करना, ये होती है जस्टिस. ओके बेटा. यस बेटा, सुमनप्रीत कौर आप बताओ. यस बेटा, कैन यू हियर मी स्टूडेंट्स प्लीज. Can you hear me? बेटा बताओ. Yes बेटा, बताओ please. सभी को सुनाई दे रही है मेरी आवाज? Yes. Okay बेटा. गुरनूर सिंह बेटा, आप बताओ. Accurate का मीनिंग क्या होता है? वर्ड मीनिंग accurate. यस बेटा बताओ आप, एक्यूरेट का मीनिंग क्या होता है? करेक्ट एंड ट्रू. किसने बताया है आपको? मैम हमने, मैम रणदीप ने. बेटा जिसने क्वेश्चन पुट किया है वही आंसर देगा. प्रथम शर्मा. यस बेटा प्रथम शर्मा, आप बताओ. सुप्रीम का वर्ड मीनिंग क्या होता है? मैम किसका? सुप्रीम का. मैम मोस्ट इम्पोर्टेंट. वेरी गुड. नेक्स्ट बेटा हरजशन सिंह. बेटा जिसको मैं अनम्यूट कहती हूँ वही अनम्यूट रहा करो, बाकी सभी म्यूट हो जाया करो. नेक्स्ट बेटा हरजशन सिंह. मैम यस. यस बेटा आप बताओ, ट्रस्टिंग का मीनिंग क्या होता है? ट्रस्टिंग का मीनिंग होता है बिलीविंग, विश्वास. ओके बेटा. नेक्स्ट बेटा दिलप्रीत कौर. दिलप्रीत कौर यस बेटा आप बताओ, डिवाइन का मीनिंग क्या होता है? दिलप्रीत कौर यस बेटा बताओ, डिवाइन का मीनिंग क्या होता है? नेक्स्ट बेटा रणदीप सिंह. यस बेटा आप बताओ, डिवाइन का मीनिंग क्या होता है? हाँ कैसा? डिवाइन रिलेटेड टू गॉड. रिलेटेड टू गॉड. यस बेटा. बेटा ध्यान से सभी अपना होमवर्क सुन ले. सभी का ये होमवर्क है, सभी ने जो वर्ड मीनिंग्स है अपनी फेयर नोटबुक पर नोट करने हैं. ओके बेटा. इसकी पीडीएफ बेटा आपको ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी, उससे भी देखकर कर सकते हो और आपके पास बुक्स भी होगी, बुक्स से भी देखकर कर सकते हो. ओके बेटा. ओके क्लास, बाय बाय. एनी डाउट किसी को? कोई डाउट बेटा किसी को? मैम बाय. मैम सी यू टुमारो. ओके बेटा सी यू टुमारो. Mom, I'll see you tomorrow.